हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आ गई हूँ आप लोग के लिए कुछ लाइंस लेकर के कि जिन्होंने आपका समय पर साथ दिया उन रिश्तों की कद्र समय से भी ज़्यादा करनी चाहिए। तो आज का दिन बहुत बहुत शुभ मंगलकारी हो। चलिए आगे मिलते हैं। नमस्ते दोस्तों, सभी छोटों को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद। तो नाश्ता आ गया है, पर नाश्ता वही पुआ है, मतलब ताज़ा बना हुआ पुआ है। ये मत सोचिएगा कि कल वाला है, फिर से बनाई हूँ। देखिए आज इसमें बहुत से मटेरियल नहीं पड़ा है, प्याज और आलू पड़ा है, थोड़ा सा आलू, बहुत थोड़ा प्याज पड़ा बस। तो आज सादा सादा पोहा बनाई हूँ। कल रात में मम्मी घर के पराठा बनाई थी, मतलब सत्तू घर के, तो काफ़ी हैवी था सब कुछ, तो फिर से सादा। तो दोस्तों बहुत कुछ नहीं बनाई, बनाते समय सब्जी में बनाई हूँ, बैंगन आलू की सब्जी बनाई हूँ और रोटी बनेगा बस। तो धनतेरस, दिवाली, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली सब आ गई है और उसी की सजावट में बच्चे कल शाम में बहुत लगे हुए थे। तो जब हो जाएगा पूरा तो आप उनको उसकी भी वीडियो मिलेगी जरूर से बन के। तो बस आप सभी लोग खूब इंजॉय कीजिए, आप लोग की ज़िंदगी में ऐसे ही दिवाली आती रहे, दीप जलते रहें सबके जीवन में, सबके मन में, और सबका अंधेरा दूर हो घर का मन का। तो ये सब मेरी बातें हैं, ये मेरी चाय भी है। चाय और आज सुबह वाली चाय नहीं दिखला है, आज हम लोग चाय की, मतलब चाय की पत्ती का लीटर पिए थे सुबह, हर्बल वाली नहीं पिए थे तो रोटी बनाए और भूल भी गए। मेन बात ये होती, कभी कभी आदमी को याद रहता है, कभी नहीं भी याद रहता, इसलिए। तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें, और जो लोग भी मेरे ब्लॉग पर न्यू आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। बेल आइकन पर क्लिक करने पर और ऑप्शन आता है उसे भी क्लिक करें तो सारे वीडियो मेरे आप लोगों के पास आसानी से अवेलेबल हो जाए। और मेरा वीडियो फुल वॉच करें, फुल का मतलब है फुल, हाफ नहीं और बढ़ा बढ़ा के नहीं, तो इसलिए फुल वॉच कहते हैं। तो फुल वॉच कीजिए प्लीज़, और कमेंट्स वगैरह कीजिए। मैं इंतज़ार करती रहती हूँ और आप लोग नहीं करते तो बहुत मन को कष्ट होता है। तो अगर कोई कमी है, कोई खराबी है तो वो भी बता सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बता सकते क्या कमी है। तो बस मेरा ठंडा हो रहा है नाश्ता, तो नाश्ता करती हूँ मुझे, आप लोग भी खाइए, बहुत गर्म तो नहीं है। बनाओ सादा सादा एकदम। बहुत टेंशन ले लीजिए, गुड मॉर्निंग कर लीजिए। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप सब लोग अच्छी तरह से होंगे। आज वही पुआ बना है लेकिन दूसरी तरह से बना, अच्छा बना है, कुछ अच्छा बना है। खाइए, आनंद लीजिए, सभी स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, हरा रहा। सारा स्वाद और मिला अपने सही पे पर लग रहा है। तो दोस्तों शाम में भी थोड़ा धनतेरस है, तो सभी लोग, आप सब लोग भी बाहर ही निकलेंगे सामान वगैरह खरीदने के लिए धनतेरस का। देखिए हम भी निकलेंगे तो जरूर से कुछ ना कुछ वीडियो बनाऊंगी जो कल वाले वीडियो में पड़ेगा। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, जय माता दी।
ये मिठाई भी हम लोग लेकर आए थे बनारस से, और ये मिठाई भी रामनगर के घिसियावन सौ की बेसन का लड्डू प्रसिद्ध है, और ये बनारस का एक बहुत प्रसिद्ध लाल पेड़ा है जो मेरे किसी खास दोस्त ने हमको दिया था बच्चों के लिए खाने के लिए, सबके लिए, मतलब हम सबके लिए और बच्चों के लिए स्पेशली कह के। तो कल दिखाई थी मैं राम भंडार का, और ये भी बनारस का प्रसिद्ध है। तो ये हम लोग का फ्रूट टाइम, वाला अमरूद सब लाल लगता है ना, वो अमरूद लाल भी नहीं है।